अगर आपका भी डीडी फ्री डिश पर सेटअप बॉक्स पर नो रेडियो प्रोग्राम शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सेटअप बॉक्स का जो रेडियो चैनल है वो सब डिलीट हो गए हैं, जिसके कारण आपका सेटअप बॉक्स पर नो रेडियो प्रोग्राम दिखा रहा है। तो जब कभी भी आपका सेटअप बॉक्स का रेडियो चैनल डिलीट हो जाए तो आप अपने सेटअप बॉक्स को एक बार ऑटो स्कैन कीजिए तो आपका सेटअप बॉक्स का जो रेडियो चैनल है वो सब वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हम अपने रिमोट से मेनू बटन दबाते हैं तो देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर टीवी चैनल लिस्ट है, तो हम टीवी चैनल लिस्ट को ओके करेंगे तो हमारा सेटअप बॉक्स का जो टीवी चैनल लिस्ट है वो आएंगे, और रेडियो चैनल लिस्ट पर ओके करेंगे तो रेडियो चैनल जो FM चलते हैं वो सब आएंगे। तो अब हम यहाँ पर रेडियो चैनल लिस्ट पर ओके कर रहे हैं तो देखिए हमारा रेडियो चैनल लिस्ट खाली है। तो अब हमें अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करना है, तो इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम सेटअप पर जाना है और फिर ओके कर देना है। यहाँ आपको सबसे नीचे ऑटो स्कैन पर ओके करना है, और जब यहाँ आपको LMB फ्रीक्वेंसी दिखे तो यहाँ आपको इसको सेम रखना है, और जो स्कैन मोड है इसको आप चाहें तो ऑल रख सकते हैं या फ्री रख सकते हैं, और इसको हम ऑल रखेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो हमारा सेटअप बॉक्स पर अब टीवी चैनल लिस्ट भी आएंगे और रेडियो चैनल लिस्ट भी सर्च होंगे। तो देखते हैं पूरे 100% जब प्रोग्रेसेस होगा तो हमारा सेटअप बॉक्स, तो देखिए अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर टीवी चैनल लिस्ट पर कुछ चैनल आ गए हैं और रेडियो पर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि जब 60% के ऊपर होगा तो हमारा सेटअप बॉक्स का रेडियो चैनल लिस्ट भी आएंगे। तो देखिए अब हमारे रेडियो चैनल पर भी 16 चैनल अवेलेबल हो गए हैं और टीवी चैनल लिस्ट पर 60 प्रोग्राम भी आ गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप अपने सेटअप बॉक्स पर नो रेडियो प्रोग्राम दिखाए, तो आप अपने सेटअप बॉक्स को एक बार ऑटो स्कैन कर दीजिए तो आपका सेटअप बॉक्स का रेडियो चैनल जो डिलीट हुए थे वो सब वापस आ जाएंगे। तो देखिए हमारे सेटअप बॉक्स को हम मेनू से बैक होंगे और ओके करेंगे तो देखिए हमारा सेटअप बॉक्स पर अब रेडियो चैनल लिस्ट पर रेडियो चैनल आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन कीजिए तो आपको अपने सेटअप बॉक्स पर रेडियो चैनल मिल जाएंगे।